अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम CS 101 के ग्रैंड क्विज करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली जो कि हमारे पास जो एग्ज़ाम के अंदर पेपर आता है MCQs के लिहाज से, तो वो यहाँ से रिपीट होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक राजा मुश्ताक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो को लहसम लाखिर आप ऑन टाइम मिल सके। तो मैं वीडियो स्टार्ट कर, तो अगर आपको ये फाइल चाहिए तो मैं आपको यहाँ पर नीचे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको अगर ये फाइल चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास है कि ब्लैंक कैन स्टोर यूनिक पैटर्न ऑफ 21 बिट्स। ठीक है, यूनिक कोड ये ऐसा जो है पैटर्न है एक यूनिक जो कि हमारे पास जो है 21 बिट्स जो है स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ब्लैंक सॉफ्टवेयर इज़ प्रोटेक्टिंग रिसोर्सेज फ्राम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारे पास अनऑथोराइज किसी थर्ड पर्सन को ये के प्रोटेक्ट करता है, जो कि हमारे पास उसकी जिम्मेदारी होती है कि रिस्पांसिबिलिटी वो हमारे जो हमारे पास जितने भी वो डाटा होता है वो उसको एक्सेस ना कर सके। ये किसकी जिम्मेदारी, ये हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसके बाद हमारे पास डिसेंट्रलाइज अप्रोचेज ऑफ रनिंग वेरियस ऑपरेटिंग लीड्स टू एफिशिएंसी इन डैश मॉडल। ये हमारे पास होते हैं पीर टू पीर मॉडल, वो होता है जिसके अंदर हमारे पास जस्ट के एक कंप्यूटर जो है कि दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच हो। इस तरह ये एक है, ये हमारे पास क्या होगा पीर टू पीर कंप्यूटर, ये ए कंप्यूटर का नाम दे दें, ये बी, मीन के ये आपस में दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारे पास डाटा था वो सिक्योर होता है, और ये हमारे पास कौन सा करता है पीर टू पीर। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है, बाय यूजिंग 16-bit इन टू कम्प्लीट मैंट नोटेशन हाउ मैनी मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर कैन बी। अच्छा, मैक्सिमम अगर होगा पॉजिटिव में हमारे पास होगा 32768 होगा, अगर माइनस में होगा नेगेटिव में अंदर, दोनों आपने याद रखने हैं। पॉजिटिव का ये आंसर होगा, नेगेटिव का क्या होगा, ये हमारे पास ये होगा ये वन, वहाँ पर 68 है, वहाँ पर क्या होगा 67 होगा। जैसे ये आपने जो कि फ़र्क इसके अंदर याद रखना है, ये पॉजिटिव है 32768। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, क्लाउड कंप्यूटिंग रेज कंसर्न अबाउट ब्लैंक एंड ब्लैंक इन वर्ल्ड। क्या हमारे पास स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी इन द वर्ल्ड, ये आपने एमसीक्यू याद रखना है। अकॉर्डिंग टू फेमस जॉब मार्केट वेबसाइट मोस्ट ऑफ जॉब आर अवेलेबल इन कंप्यूटर साइंस के अंदर, जो हमारे पास जो है वेबसाइट की जो है जो आप ये तो आप वैसे अगर कंप्यूटर स्टूडेंट के अगर हैं स्टूडेंट तो आपको फेमिलियर होंगे कि किसकी जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट क्या अब हर इंस्टीट्यूशन के अंदर रिक्वायर है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकता जहाँ पे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ही जो इस इराक में जो कि वो उनकी नीड ना हो। तो यूजिंग डैश वी कैन फाइंड द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक मार्केट फॉर अ कंपनी। स्टॉक ऑपरेटर जो है हमारे पास जो कंपनी के लिए स्टॉक मार्केटर का जो आज का जो कि ट्रेंड चला हुआ है वो उनको फाइंड करें, वो कौन से हैं स्टॉक ऑपरेटर के। वैन एन एप्लीकेशन वॉन्ट्स टू डिस्प्ले समथिंग ऑन द स्क्रीन इज नोटिफाई द वर्ल्ड विंडो मैनेजर। ठीक है, ये इसको नोटिफाई करता है। इन टर्म फॉर रिमूविंग प्रोसेस फ्राम प्रोसेसर प्रोसेस टेबल इज कॉल्ड ब्लैंक। ये हमारे पास होता है रिमूविंग का टेबल। विच आर द फॉलोइंग लैंग्वेज यूज फॉर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए स्क्रिप्टिंग मीन के उसको लिखने के लिए वो हमारे पास HTML होती है। HTML का आपसे पूछ सकते स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, HTML सपोर्ट ब्लैंक लेवल्स ऑफ हेडिंग टैग। इसके जो हमारे पास होते हैं 6 टैग होते हैं जो HTML को जो कि सपोर्ट कर रहते हैं। यू कैन यूज़ ब्लैंक सर्च इंजन फॉर सर्चिंग इमेज मूवी गेम और एजुकेशन कंटेंट। हम क्या करते हैं, हम गूगल का जो कि सर्च इंजन का मतलब होता है ये आपको ऐसे फॉर्म यहाँ पे ये देखें इस तरह ये एक बार बनी होती है, वहाँ पे आप क्या करते हैं कोई भी क्यूरी वगैरह लिखते हैं जो आपने सर्च करनी होती है। यहाँ पे अगर कोई गेम मूवी वगैरह एजुकेशन कंटेंट के मतलब देखना है तो क्या करेंगे आप गूगल ओपन करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे। ड्यूटी वैलिडिटी एंड लिमिटेड साइज ऑफ ए कंप्यूटर मैन मेमरी मोस्ट कंप्यूटर हैव एडिशनल मेमरी डिवाइसेस का। ये हमारे पास होती है मास स्टोरेज, ये होती है जिसके पास हमारे पास जो है कि एडिशनल जो डाटा जो है कि पड़ा होता है एडिशनल स्टोरेज डिवाइस होती है वो हमारे पास मास स्टोरेज है। अच्छा, ये है MIME प्रोटोकॉल, ये होता है ये हमारे पास ट्रांसफ़र करता है नॉन ASCII डाटा टू द रिसीवर। रिसीवर को ये क्या कहता है कि ASCII जो हमारे पास होते हैं ये नॉन ASCII को जो क्या कहता है ट्रांसफ़र करता है रिसीवर के।
The small segment of long mass intermarketer network are called packets. हमारे पास ये एक ये इतना ये डाटा है ना हमारे पास ये तमाम का डाटा है. क्या करेगा कंप्यूटर, क्या करेगा इसको, ये कि छोटे छोटे ये इस तरह छोटे छोटे पैकेट के अंदर क्या करेगा, डिवाइड करेगा. ये सर पैकेट बने फ्रेम टाइप की, ये हमारे फ्रेम, उसके अंदर हमारे पास कंप्यूटर जो डाटा सेंड करेंगे, ये छोटे छोटे पैकेट के अंदर हमारे पास डाटा सेंड होगा. अगर लेट्स सपोज हमारे पास जो है कि अगर डाटा लास्ट रास्ते में जो है कि लास्ट हो जाता है तो क्या होगा कि पैकेट के अंदर हमारे पास वो छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर अगर एक पैकेट डिस्ट्रॉय है, इस मीन सारा डाटा हमारे पास डिस्ट्रॉय नहीं होगा. अदरवाइज पैकेट के बगैर सेंड करेंगे तो इट्स मीन कि हमारे पास ये तमाम ये डाटा होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा. अगर पैकेट्स में सूरत में भेजेंगे, अगर ये पैकेट ये डिस्ट्रॉय होता है तो बाकी इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो ये हमारे पैकेट का फ़ायदा होता है, ये आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. अच्छा 0011+0010 तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, ये आपको वैसे ही पता है क्या है, 00 आगे 110100. आप इसको ऐड करते हैं 10 क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको अगर जब ऐड हम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस वन आ जाएगा इसकी इक्वल. अच्छा अब हमारे पास है कि पी टू पी का मतलब क्या होता है, ये भी आपने एम सी क्यू याद रखना, या पी टू पी लिख सकता है या पीर टू पीर, ये दोनों एम सी क्यूज इंपॉर्टेंट है. मॉडल बेस्ड स्ट्रीमिंग अप्रोचेज इज प्रेफर्ड ओवर एंड यूनिकास बिकॉज इट ट्रांसफर द लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू द रूटर. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ब्रिज इज मोर कम्प्लेक्स दैन अ रिपीटर. ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि क्योंकि ब्रिज जो है ये कम्प्लेक्स है रिपीटर से. लैंड का इंपॉर्टेंट टॉपिक से, लैंड स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क. ब्लैंक स्टोर बिट्स और टिनी इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट रिफ्रेश मेनी टाइम्स अ सेकंड. डी रैम जो होती है डायनेमिक रैंडम रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, इसको रिफ्रेश कर सकते हैं विद इन सेकंड. ये हमारे पास डी रैम ये इंपॉर्टेंट है, ये शार्ट क्वेश्चन लॉन्ग के लिहाज से भी. विच एक्सेस नोटेशन इज यूज टू रिप्रेजेंट 1000 ये हमारे पास एक्सेस 16 जो है ये शो करती है. अ क्लियर फ्लैग स्टेट आइडेंटी इंडिकेट दैट द रिसोर्स इज अवेलेबल. क्लियर फ्लैग ये करता है कि रिसोर्स इंडिकेट करता है कि ये हमारे पास अवेलेबल है. नेम ऑफ फर्स्ट ग्राफिका ब्राउजर वाज, ये हमारे पास मोजैक, मोजैक क्या इसका ग्राफिका ब्राउजर का पहला नाम. वाइल सर्चिंग वेदर वी विल सिंपली एड, अगर हम जो कि वेदर को सर्च करना है हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं उसकी लोकेशन, वेदर की जो कि लोकेशन को ऐड करते हैं किसके अंदर, ये इसके कोटेशन के अंदर वेदर. Which of the following is true about problem solving? Ability to solve problem remain more of an artist's skill to be developed. Which of the following is not true about XML? XML ये हमारे पास it is a markup language based on HTML. ये हमारे पास जो कि ये true नहीं है, बाकी ये तीनों जो हमारे पास true हैं. Someone can conclude the specification of a software art met or not by ये होती है validation. Which of the following tag has no ending tag in HTML? तो ये हमारे पास इस तरह ये कैपिटल के अंदर बी आर जो है नहीं है. ब्लैंक इज ट्रांसफर डाटा ऑन आफ्टर द अदर, तो ये हमारे पास होता है सीरियल कम्युनिकेशन. ये हमारे पास जो एक ट्रांसफर का सीरियल कम्युनिकेशन जो डाटा ट्रांसफर करती है एक से दूसरी जगह आफ्टर द अदर एक के बाद एक सीरीज के अंदर. सीडो कोड इज लैंग्वेज, ये हमारे एल्गोरिदम जो लैंग्वेज है सीडो कोड. पॉली एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टू एवेल्युएट द सोल्यूशन ऑफ पॉली एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एवेल्युएट सॉल्यूशन फॉर, ये हमारे पास एक्यूरेसी का प्रॉब्लम सॉल्व का एक्यूरेट करती है. तो ये हमारे पास है कि मोस्ट जो पॉपुलर सिस्टम है ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है कि कंप्यूटर की बॉडी के साथ. ये हमारे पास टू कंप्लीमेंट नोटेशन के साथ करता है टू, ये याद रखना है. विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू परफॉर्म टास्क पार्टिकुलर रिलेटेड टू द मशीन यूटिलाइजेशन, ये हमारे पास होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Algorithm for finding binary representation of a positive decimal number contained, ये हमारे पास होता है थ्री स्टेप्स के ऊपर जो कि डेसीमल नंबर जो कंटेन करता है पॉजिटिव. इन कंप्यूटर साइंस वी स्टोर एंड लिंक डाटा इन ऑर्गेनाइज वी यूजिंग, या हम जो है कि डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं DBMS स्टैंड फॉर डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम. इज यूज टू स्टोर कलरफुल, अगर हम रेड ग्रीन ब्लू के अंदर हम अपनी जो है कि इमेज को स्टोर करते हैं आर रेड ग्रीन बी से ब्लू. विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ TCP अवर UDP, ये हमारे पास उसकी एफिशिएंसी. ये हमारे पास प्रोग्राम लिखा हुआ है तो ये हमारे पास होगा इसकी जो कंडीशन हम अप्लाई करेंगे इफ मैक्सिमम लेस दैन करंट. अवॉइडिंग सर्चिंग द फॉलोइंग, तो हम क्या करेंगे प्रेशर कुकर बम स्टोर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर आप जो इस तरह की कोई भी
जो कि हमारे पास जो भी हमारे पास है लॉ वगैरह है उसकी वायलेशन नहीं करते। अगर हम देखेंगे प्रेशर कुकर बम स्टोरी तो ये हमारे पास होगा, इट्स मीन कि ये हमारे पास इसको सर्च करने से अवॉइड करना चाहिए इस तरह की चीज़ की, किसी बम वगैरह के मतलब या किसी जो कि हमारे पास अनलॉफुल चीज़ है उसको हमने सर्च नहीं करना चाहिए, उसे हमें क्या करना चाहिए, प्रिटेंड करना चाहिए। अच्छा एंड इंटरप्रेट उस इस तरह की जो चीज़ें, ये आप ये पेपर के अंदर प्रीवियस के भी अंदर आया हुआ था, ये इस तरह की चीज़ों को हम क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए सर्च करने से। एंड इंटरप्ट कन्वर्ट्स सीपीयू स्टैंड फॉर, ये भी पता होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टू प्रिविलेज मोड एंड ट्रांसफर कंट्रोल टू या इंटरप्रेट हैंडलर विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरप्रेट हैंडलर है, URL इज यूज टू लोकेट अ डॉक्यूमेंट ऑन एनी सिस्टम कनेक्ट टू इंटरनेट। ये हमारे पास होता है URL, ये आपको पता है कि ये हमारे पास इस तरह एक बार होता है, इसके अंदर जो भी किसी भी वेबसाइट का जो कि HTTP की अगर होगा तो इट मीन ये ऑथेंटिक हमारे पास जो है कि वेबसाइट है। ये हमारे पास URL का ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके आज पूछ सकते हैं, URL के मुताबिक आप बताएँ, इसका एब्रीवेशन भी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर का, ये इंपॉर्टेंट हम सीखते हैं। विच आर दी फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ स्काइप। ड्रॉबैक मीन कि उसकी डिसएडवांटेज है कि स्काइप के इसका है कि ये कंप्यूटर जो रिसोर्स हैं इसको इस्तेमाल करता है कोई भी विदाउट ऑनर अवेयरनेस। विदाउट ऑनर मतलब कि किसी भी अवेयरनेस बगैर, किसी ऑनर को बताए बगैर, अवेयर किए बगैर ये कि कंप्यूटर के रिसोर्स को क्या करता है, यूज़ करता है। ये हमारे पास क्या है कि इसके स्काइप के ड्रॉबैक्स हैं। बैकग्राउंड इंसर्शन सॉल्व लॉगरिथम वर्क ऑन कोड, ये हमारे पास हेक्साडेसिमल के अंदर जो है कि इस्तेमाल होती है ये बैक साइड के अंदर ये एल्गोरिथम के अंदर। द कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क टू फॉर्म एंड इंटरनेट इज हैंडल्ड बाय डिवाइस नाउन एज, ये हमारे पास होता है रूटर, ये भी याद रखना है। ब्रेन लूप स्ट्रक्चर रेफर टू एज अ पोस्ट टेस्ट लूप, ये हमारे पास होता है रिपीट। लूप का मतलब होता है कि वो अगेन एंड अगेन उस चीज़ को रिपीट करने के लिए चलाने। बिट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं चिप के अंदर 0.1 फॉर्म। GIF कैन ऑब्टेन एडिशनल कंप्रेशन बाई यूजिंग अडाप्टिव डिक्शनरी सिस्टम विच टेक्निक यूज बाई अडाप्टिव डिक्शनरी सिस्टम फॉर दिस पर्पज़, के लिए हम करते हैं LZW जो कि अडाप्टिव डिक्शनरी को यूज़ करते हैं। डिस्ट्रिक्शन बिटवीन प्रोग्राम बिलीव टू बी करेक्ट एंड द प्रोग्राम दैट इज़ करेक्ट, ये हमारे पास होता है सॉफ्टवेयर वेरीफिकेशन बताता है कि हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर है ये करेक्ट है कि नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि एक मिनट इसको जूम आउट करते हैं। अच्छा अब हमारे नेक्स्ट ब्लैंक की वर्ड इज़ यूज इन पाइथन लैंग्वेज इज़ डिफाइंड अ वर्ड, ये हमारे पास है DEF जो की वर्ड यूज़ होता है। व्हेन अप्लाइड टू लिस्ट विद एन इंट्रीज द सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम विद इंटरोगेट एंड एवरेज ऑफ, ये हमारे पास होता है N/2 टाइम्स होता है इंट्रीज होती हैं। इज़ द मोस्ट डिमांडेड जॉब इन यूनाइटेड स्टेट के अंदर, सॉफ्टवेयर डिवेलपर की जो है कि अब्रॉड यूनाइटेड स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है कि जॉब्स वगैरह हैं एडवांटेज इनके स्टूडेंट के। अब ब्रेकिंग द टास्क इनटू अ नंबर, अगर हम जो कि किसी भी टास्क को उसको हम मीन के उसके सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ अवेल प्रोसेस के लिए जो अवेलेबल होती है हमारे पास होती है स्केलिंग कराती है। अब है कि बाइनरी नोटेशन हैज़ ब्लैंक रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी नोटेशन के हमारे पास जो है कि टू जो है कि रिप्रेजेंटेशन होती हैं। हाउ मैनी इटरेशन आर रिक्वायर्ड टू फाइंड 19 इन द फॉलोइंग अरे, तो ये आपने याद रखना है कि आपने कितने टाइम करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाउ मैनी इटरेशन आर रिक्वायर्ड टू फाइंड 19 इन द फॉलोइंग अरे, तो हमें कितनी टाइम इसको चलाना चाहिए। ये फाइव अरे के अंदर हम जो है कि 0, 1, 2, 3, 4 से हम स्टार्ट करते हैं, ये 19 इन द फॉलोइंग अरे इटरेशन हमारे पास कितनी टाइम चलेगी, तो ये हमारे पास 90 आएगा। फॉर पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्राम जीरो गोइंग अपवर्ड अंटिल अ सिंगल जीरो रीच फॉलो बाय आर, ये हमारे पास टू एस सेकेंड। वन बिट जो कि कंटेन करता है ऑनली वन वैल्यू, वन बिट कंटेन ऑनली वन वैल्यू, टू बिट कंटेन टू वैल्यू, मीन कि हर बिट जो कि एक एक वैल्यू को स्टोर करती है। द डैश ये हमारे पास होता है अरिथमेटिक लॉजिक जो ग्रुप होते हैं कंसिस्ट होते हैं इंस्ट्रक्शन जो बताते हैं कि कंट्रोल यूनिट को रिक्वेस्ट मीन कि इसको मतलब अरिथमेटिक यूनिट। HTML रिसोर्स डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ टू सेक्शन, ये हमारा एक हेड और बॉडी के ऊपर जो है कि ये कंसिस्ट करता है HTML। बिट पैटर्न मस्ट मूव बिटवीन टू CPU एंड मेन मेमोरी, बिटवीन द CPU एंड ईच कंट्रोलर, बिटवीन ईच कंट्रोलर एंड मेन मेमोरी।
VOIP जो हमारे पास कंसिस्ट होता है टू प्रोसेसर्स के डिफरेंट मशीन्स ट्रांसफरिंग जो ऑडियो डाटा वाया द ये पीर टू पीर मॉडल के होता है। ये आप ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पीर टू पीर लिखा हो या पीर टू पीर ये आपने पता होना चाहिए इन दोनों का मीनिंग है क्या होता है। अब है कि इफ़ द टेस्ट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ए लूप इज एग्जीक्यूट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी दैन लूप इज़ नाउन एज, तो ये हमारे पास होता है पोस्ट टेस्ट लूप होता है। अगर हमारे पास 50 को डिवाइड किया जाए 5 पर यूजिंग रेपिटेटिव सॉल्यूशन हाउ मेनी स्टेप इट इन्वॉल्व, इसको अगर हम कितने स्टेप के बाद इसको इन्वॉल्व करेंगे तो ये 3 स्टेप्स हमें रिक्वायर होंगे, उसके बाद ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। जो UDP होता है ये प्रोटोकॉल होता है, स्मॉल होता है कम्युनिकेशन के लिए। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, UDP स्टैंड फॉर यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये इसका जो बी आंसर ये करेक्ट है। RISC जो कि अब्रिवेशन किसका, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये हमारे पास होता है रेड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू कनेक्ट टू न्यू सर्वर एंड ट्रांसफर न्यू आर्टिकल बिटवीन सिस्टम, तो ये NNTP। ब्लैंक टैग यूज टू राइट पैराग्राफ के लिए हम जो कि ये पी का इस्तेमाल करते हैं, ये ग्रेटर दैन लेस दैन की ब्रैकेट्स के दरमियान लिखते हैं जिसको आप कहते हैं। द मटीरियल दैट इज डिस्प्ले ऑन स्क्रीन इज कम्बाइंड इन, तो ये हमारे पास फ्रेम के अंदर जो कि होता है ये HTML डॉक्यूमेंट जो, ये अब हमारे पास आप बताना है कि प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 10, तो ये हमारे पास कराएगा सीडो कोड के अंदर, ये आपको सीडो कोड भी का स्ट्रक्चर आना चाहिए। क्वान्टिटी एसोसिएट विद ईच पोजिशन ब्लैंक द क्वालिटी क्वान्टिटी एसोसिएट विद द पोजिशन टू इट्स राइट, तो ये हमारे पास ट्वाइस दो दफ़ा होनी चाहिए। अगर हमारे पास है कि विच कौन सी जो फॉलोइंग है जो प्रॉपर्टी है वो गुड एल्गोरिथम के लिए नहीं चाहिए, वो हमारे पास टाइम आस्किंग की नहीं चाहिए, बाकी तमाम जो कि चाहिए। बर्निसाच एल्गोरिथम जो इस्तेमाल हम करते हैं, ये हमारे पास होता है क्विक सॉर्ट टेक्निक के लिए, हम जो है कि इसको बर्निसाच इंजन को इस्तेमाल करते हैं एल्गोरिथम को। जो ओरिजिनेटर होता है मैसेज का वो क्या करता है, इनक्रिप्ट करता है मैसेज को, किसको इस्तेमाल करते हो प्राइवेट की को इस्तेमाल करके वो हमारे पास क्या करता है कि उसको को इनक्रिप्ट कर देता है। विच आर दी फॉलोइंग, ये हमारे पास UDP जो होता है यूज़र डाटा ग्रेन प्रोटोकॉल कंप्यूटेशन टू TCP, तो ये हमारे पास होता है ये मोर रिलायबल होता है बट इन लेस एफिशिएंसी, तो ये हमारे पास इसका दोनों का ये डिफरेंस है। कंपैरिजन TCP UDP इन कंपैरिजन टू TCP, TCP जो होता है ये हमारे पास मोर रिलायबल होता है और ये थोड़ा सा ये UDP से एफिशिएंट इतना नहीं होता, इससे बल्कि सॉरी ज़्यादा एफिशिएंट होता है। और हमारे पास कॉन्टैक्ट्स ऑन कंप्यूटर जो नेटवर्क WW स्टैंड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप एवरी एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है WW स्टैंड फॉर शॉर्ट क्वेश्चन प्लस MCQs के तौर पर। ये हमारा WW वर्ल्ड वाइड वेब, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। इफ़ वी आर इंटरेस्टेड टू सी द मैप ऑफ सम लोकेशन, अगर हम किसी भी चीज़ का जो कि लोकेशन का हम मैप देखना चाहते हैं तो हम जो कि इसको इस्तेमाल करके तो फॉलोइंग अवे किस तरह करते हैं मैप, फिर उसके बाद मैप को ओपन करते हैं, उसके बाद उसको लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमने इस अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। अब है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग आइटम जो है कि रेफर करता है प्रोसेस इन विच अ स्मॉल रिक्वेस्ट इनिशियली एंड डिटेल सॉल्यूशन इन शेयर लेटर, ये हमारे पास फुट इन द डोर टेक्निक। अगर हमारे पास प्रोसेसर है जो अलाउ करता है एक्सेस मेमोरी को सेल्स आउटसाइड द अलॉटेड एरिया, इट कैन डैश डेटा बीइंग यूज्ड बाय अदर प्रोसेसर टू रीड एंड अल्टर को स्मार्क, अगर हम जो मेमोरी से आउटसाइड एक्सेस कर रहे हैं तो वो हमारे पास होता है रीड एंड अल्टर का। ये हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। फायर वायर जो होता है प्रोटेक्ट इसको करता है नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर को, जो हमारे पास इसको जो कि प्रोटेक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। फायर वायर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है और इसका ये एमसीक्यूज भी। यूजिंग ब्लैंक यू कैन सर्च इमेज इवन बाय गिवन अ क्वेरी ऑफ अनदर इमेज, तो ये हमारे पास डेडिकेटेड वेब लिंक है। फेज़ टू ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स से, फेज़ टू के अंदर हम जो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो आइडिया लेते हैं और एल्गोरिथम उसके कितनी है, फंक्शन कितने हैं, और ताकि हम उसको माइट भी सॉल्व द प्रॉब्लम कर सकें। अब ये हमारे पास है प्रोग्राम, ये हमारे पास होगा 6 होगा। CPU कैन बेटर स्कोप विद द एवर इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी, ये हमारे पास होता है कि मोर कम्प्लेक्स है। अब नेक्स्ट है कंप्यूटर से ऐप के अंदर हम जो है कि स्टोर कर सकते हैं लिंक डाटा इन ऑर्गेनाइज्ड वे यूजिंग हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। CPU कंसिस्ट होता है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, CPU किसके ऊपर कंसिस्ट होता है, ये हमारे पास 3 पार्ट्स के ऊपर होता है, रजिस्टर के ऊपर, कंट्रोल यूनिट के ऊपर और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के ऊपर, ये हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा व्हाट डज FTP स्टैंड, ये इंपॉर्टेंट है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्टैंड फॉर, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ये क्या होता है। पोस्ट टेस्ट लूप स्ट्रक्चर रेफर, पोस्ट टेस्ट ये टेस्ट जो टर्मिनेट करता है उसको निकाल देता है परफॉर्म आफ्टर द बॉडी इज एग्जीक्यूट,
बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद ये हमारे पास ये प्रोग्राम का कंट्रोल जो है कि बॉडी से आउटसाइड चला जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। टू कंट्रोल एक्सेस द प्रिंटर द डैश मस्ट कीप ट्रैक वेदर द प्रिंटर हैज़ बीन लोकेटेड। ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर साइंस हैज़ मैनी इन मोस्ट एवरी फील्ड इन द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो है ये एवरी रियल वर्ल्ड के अंदर जो के यूज़ हो रही हैं। पुलिस एनालिसिस आप प्रोटेक्ट नहीं है, मैंने बता चुका प्रीवियस एक्यूरेसी को देखता है। इफ़ वी यूज टू इंटरेस्टिंग शॉर्ट नेम फायर्ड एलेक्स तो ये हमारे पास है। वन अप्रोचेस टू सॉर्टिंग दैन लिस्ट टू नोटेज द ये हमारे पास होता है कि ऑनली टॉप नेम हमारे पास आता है। टैग गिव यू प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन बाय वेबसाइट, वेबसाइट के जरिए हमें जो इन्फॉर्मेशन आई एन इन्फो स्टैंड फॉर इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर जो कि फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट पास ये हुआ था ये 1984 के अंदर, जो कि कंप्यूटर का जो फ्रॉड होता है और अब्यूज आर पास 1984 के अंदर। ये 10.001 एडिट ये हमारे पास जब प्रोड्यूस करेगा इसको जब सम अप करेंगे तो ये हमारे पास ये इसका आंसर आएगा 111.001। और जो MIME प्रोटोकॉल होता है ये हमारे पास होता है ये ट्रांसफ़र करने के लिए होता है नॉन आस्की डाटा को रिसीवर की। ये मैं प्रीवियस बता चुका हूँ। अगर इफ़ ये हमारे पास वही आ गया कि 55 को अगर डिवाइड करें 5 के साथ तो कितनी दफ़ा ये इसकी रेपुटेशन होगी, लूप चलेगा ये 3 टाइम। अ लेबनीज मशीन वार अचीव बाय ऑब्जर्विंग द ब्लैंक पोजिशन ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये हमारे पास फाइनल गियर के बाद जो हमारे पास जो है कि मशीन जो है कि ये हमारे पास जो है अचीव हुई थी, उनको हासिल हुई थी फाइनल गियर। इज आल्सो कंसीडर्ड करेक्टर द नंबर जो है कि हम उसको करेक्टर के को आम जो के नॉमिनेट कर कंसीडर समझ सकते हैं। 0011+0010 इसको जब सम अप करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा। बाइनरी नोटेशन हैज डैश रिप्रेजेंटेशन ये हमारे पास होती हैं टू जो हमारे पास होती हैं इसका जो होती हैं 0 और 1। अब है कि द ब्लैंक टैग ऑनली शो द पार्टिकुलर पेज रिलेटेड टू इट ये हमारे पास हैश का इस्तेमाल करते हैं हम पार्टिकुलर पेज के ऊपर जिसको हैश टैग पहुँच जाते हैं। ऑनली वन बिट कैन कंटेन ऑनली डैश वैल्यू। वन बिट जो कि वही मैं बताया प्रीवियस वीक एक बाइट एक जो कि वैल्यू को स्टोर करता है, टू बिट जो वैल्यू को स्टोर करेगा। अगर हमारे पास है कि गूगल अगर ये हमारे पास डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को, तो क्योंकि ये हमारे पास होता है केस इनसेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब होता है कि वो दोनों को आपस में जो डिस्टिंग्विश कर सकता है। और इनसेंसिटिव मतलब है कि हम इस तरह जिस तरह C++ लैंग्वेज है अगर आपने सी आउट लिखना है, अगर सी को अगर आप कैपिटल देंगे क्योंकि वो हमारे पास है ये हमारे पास है केस सेंसिटिव है, मीन कि अगर उसके अंदर जो हमारे पास जो स्मॉल लेटर की जगह अगर हम कैपिटल लिख देंगे तो वो हमारे पास एरर आ जाएगा। और अगर हम गूगल के ऊपर चाहे कैपिटल लेटर लिखें चाहे हम जो कि स्मॉल लेटर लिखें वो मीन कि इनसेंसिटिव है, वो उसको वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। द डैश ब्लैंक इन द स्टेट ऑफ प्रोसेस मस्ट बी सफिशेंट टू डिटरमाइन यूनिकली एंड कम्प्लीटली एक्शन रिक्वायर्ड बाई ईच स्टेप ये हमारे पास होते हैं इन्फॉर्मेशन। UTF ये इंपॉर्टेंट है, UTF यूज 24 ये हमारे पास 32 बिट्स को यूज़ करता है। कैन नॉट यूज़ इन द मेन मेमोरी टू स्टोर अच्छा डाटा को हम स्टोर नहीं करवा सकते मेन मेमोरी के अंदर, वो होते हैं फ्लैश ड्राइव। पोस्ट टेस्ट लूप स्ट्रक्चर ये हमारे पास ये प्रीवियस बताया कि टेस्ट टर्मिनेशन परफॉर्म आफ्टर बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा जो प्रोग्राम वो टर्मिनेट हो जाता है बॉडी से आउटसाइड। बिट जो अगर रिप्रेजेंट करती है 6.01 फॉर्म को ये बताया। अगर हम इंटरेस्टेड हैं कि मैप की लोकेशन को देखने के लिए कि किसी भी जगह पे अगर हमने जाना है तो मैप को फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करके उसके बाद लोकेशन प्रोवाइड करना पड़ता है, ये भी प्रीवियस आया हुआ था। अगर है कि इंपैक्ट होता है कि आफ्टर ट्रांजैक्शन एरर कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग अगर हम जो है कि ट्रांजैक्शन के ऊपर एरर को रिड्यूस किस तरह किया जा सकता है लॉन्गर मिनटीज या फील्ड के थ्रू। अगर सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इन विच यूजर एस्टैब्लिश इनिशियल कॉन्टैक्ट विद द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम वो हमारे पास होता है लॉग इन, मीनिंग अगर हमने कोई भी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप LMS ही देख रहे हैं अगर उसको ओपन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप ईमेल उसकी ID प्रोवाइड करेंगे VU की, उसके बाद पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, देन आप उसके बाद लॉग इन हो सकते हैं। अदरवाइज पासवर्ड अगर या ID कोई रॉन्ग होगी तो आप इंटर नहीं हो सकते। वाइल स्ट्रक्चर स्टार्ट विद चेकिंग तो ये हमारे पास कंडीशन वाइल के अंदर फर्स्ट कौन सी कंडीशन हमारे पास स्टार्ट होती है जहाँ पे हम चेकिंग होती है ये हमारे पास होती है कंडीशन, हम जहाँ पे अप्लाई करते हैं वाइल के अंदर वहाँ पे देखते हैं कंडीशन को चेक करते हैं। इन URL ऑपरेटर जो फाइंड करता है तमाम वेब पेजेस को जो कंटेन होती हैं मेंशन होती है क्यूरी के अंदर। क्यूरी का मतलब मैंने आपको बताया था वो बार के अंदर हम जो कि कोई भी क्यूरी वगैरह देते हैं तो उसके अंदर
वो हम देते हैं। अगर हमारे पास ऐसा है कि फर्स्ट ग्राफिक का ब्राउज़र का नेम क्या था, मोज़ैक था, ये मैंने आपको टीवी से बता चुका हूँ। अब हमारे पास है जनरल पर्पज़ जो कंप्यूटर होते हैं वो प्रोग्राम कॉल कराते हैं, बूट लोडर कराते हैं, परमानेंट स्टोर इन द मशीन रोम के अंदर जो परमानेंटली जो कि स्टोर हो जाते हैं। व्हाट इज़ करेक्ट एक्सप्रेशन टू फाइंडिंग फैक्टोरियल F1 और F फैक्टोरियल 1 है और I जो हमारा इंस्ट्रक्शन जो है 1 है, I लेस दैन इज इक्वल टू N, तो ये हमारे पास होगी F इज इक्वल टू F इंटू N, ये हमारा कंडीशन होगी। अगर हमारे पास है लूप एग्जीक्यूट करता है रेपिटेटिव फैशन अंडर द डायरेक्शन ऑफ सम, तो ये हमारे पास होता है कंट्रोल प्रोसेस को लूप। ये इंपॉर्टेंट है कि HDTV स्टैंड फॉर एब्रीवेशन किसका है, ये हाई डेफिनेशन टेलीविजन का जो है कि एब्रीवेशन है हाई डेफिनेशन टेलीविजन का। अब है कि कौन सा यूनिट जो ट्रांसफ़र करता है डाटा को मेमोरी से इनटू जनरल पर्पज़ रजिस्टर के अंदर, कंट्रोल यूनिट ये होता है कि हमारे पास जो कि मेमोरी से डाटा को ट्रांसफ़र करता है जनरल पर्पज़ रजिस्टर पे, वो हमारे पास है कंट्रोल यूनिट। अब है कि हाउ इंस्ट्रक्शन कैन बी फेच फ्राम द मेन मेमोरी टू CPU, किस तरह हमारे पास जो मेन मेमोरी से डाटा फेच किया जाता है CPU से मेमोरी से टू CPU की तरफ, तो ये हमारे बाय यूजिंग बस के लिए हम मेन मेमोरी से CPU की तरफ डाटा जो फेच करते हैं। अब हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ मेक द प्रोटोकॉल चॉइस ऑफ DNS लॉक अप एंड VOIP, ये हमारे पास UDP यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अब विच आर द फाइनली इस्तेमाल करते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए, ये मैंने बता चुका हूँ कि ये हमारे पास है जावा स्क्रिप्ट है। प्रीवियस आई थिंक HTML था, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास है कि ये स्क्रिप्टिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये जावा स्क्रिप्ट आंसर इसका करेक्ट। अब अगर यूज़र जो है कि देख सकता है डायरेक्शन को और या फाइल यूज़ करके विंडो एक्सप्लोरर को देख सकता है यूज़ करके। कनेक्शन जो बिटवीन नेटवर्क टू फ्रॉम एन इंटरनेट हैंडल बाय डिवाइस नाउन एज रूटर, जो है कि रूटर के जरिए हम जो कनेक्शन जो होते हैं नेटवर्क और इंटरनेट के जरिए हम इसको हैंडल कर सकते हैं रूटर के थ्रू। अगर हमारे पास है 1 KB कितने क्या कंटेन करती है, 1024 bytes, 1 KB जो कि 1024 bytes को जो कि होती हैं कंट्रोल करती है। अब है कि विच ऑफ़ दी फॉलोइंग ना प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड एल्गोरिदम, ये हमारे पास है टाइम टेकिंग जो है किसकी प्रॉपर्टी, ये भी हो चुका है स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी का क्लाउड कंप्यूटर जो कि कंसर्न करते हैं। अब है कि कौन सा ऑपरेशन है जो हम इस्तेमाल करके इन्वर्ट कर सकते हैं तमाम बिट्स को RGB रेड ग्रीन ब्लू बिट मैप इमेज के अंदर, तो एक्सक्लूसिव आर गेट को इस्तेमाल करके। इस तरह के बाइनरी नोटेशन हैज़ फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन, तो ये हमारे पास होती है टू कम्प्लीमेंट का आपको आना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बिट्स क्या है कि बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज या बिट्स स्टैंड फॉर। अब है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सुडो कोड की ये काउंट है, ये हमारे पास है तो ये हमारे पास 2 आंसर आएगा। अब है कि लूप स्ट्रक्चर रेफर टू एज अ पोस्ट टेस्ट लूप, ये हमारे पास होता है रिपीट का मतलब है कि लूप अब इस्तेमाल करें वो अगेन एंड अगेन वो चलता रहेगा। अब है कि विच डाटा कंप्रेशन टेक्निक इज सूटेबल, जो सिचुएशन के लिए है वेयर द लॉन्ग सीक्वेंस हैज सेम वैल्यू, लॉन्ग सीक्वेंस ये हमारे पास रन लेंथ एंड कोडिंग है। अगर अब हमारे पास है कि समवन कैन कंक्लूड द स्पेसिफिकेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर मीट और नॉट, ये वैलिडेशन बताता है। अगर अब ये भी हमारे पास हो चुके हैं कि ऑनली टॉप नेम हमारे पास है। अगर हम इंटरेस्टेड हैं कि देखना चाहते हैं मैप को, तो ये हम मैप लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। HDTV स्टैंड फॉर होता है हाई डेफिनेशन टेलीविजन, ये भी अगेन है और ये एंड है। अगर अब हमारे पास है कि आउटपुट एज वैन बोथ ऑफ इनपुट एंड गेट, वो होता है एंड का मतलब होता है जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम जो बहुत सेम होंगे तो 1 आएगा, बाकी डिफरेंट होंगे तो 0 आएगा एंड गेट के अंदर। तो अब यहाँ पे है कि बहुत 1 आती हैं, आउटपुट अगर हमारे पास 1 है तो इनपुट हमारे पास 1 आती है, इट्स मीन कि हमारे पास क्या है कि एंड गेट का इस्तेमाल करते हैं। ये टेबल एंड गेट आर गेट नॉट गेट का आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि कुछ चीज़ सर्च करना चाहते हैं बॉडी ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं इन टेक्स्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। बैनी सर्च जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू को चेक करता है एट पॉइंट मिडल पॉइंट से, हमारे पास जो कि बैनी सर्च चेक करता है। अब है कि ये वही आ गया है कि करेक्टली इंप्लीमेंट अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नाउन ए वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब होता है कि वो जो भी हमारे पास चीज़ है वो वैलिड है कि नहीं है, उसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है। अगर हम सर्च करना चाहते हैं गूगल टाइप गूगल फाइंड ऑल दो पेजेस हम कंटेन कर सकते हैं, ये तो ऑल ऑफ द गिवन इन द क्यूरी, तमाम चीज़ें हम जो गिवन क्यूरी के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हम जो कि गूगल के पेज के ऊपर हम ना कर सकें।
If you search on Google that how can I hack, then it would be also for your security. अगर मैंने आपको प्रीवियस बताया जाए कुछ हम वायलेशन करते हैं, जिस तरह हम देख सकते हैं कि हाउ कैन आई हैक, तो ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, ये हमारे पास काफ़ी मुश्किल और डिफ़िकल्टीज पैदा कर सकता है और ये हमारे पास ये डेंजरस हो सकता है। अब है कि इज यूज टू डिटेक्ट एंड रिमूव द प्रीसेंस नाउन वायरसेस एंड देयर इन्फेक्शन एंटी वायरस। ये भी आपको मैंने ये व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सुडो कोड, तो ये हमारे पास आ जाएगी 5040 की आउटपुट आएगी। किसने इंट्रोड्यूस किया था आइडिया स्टोरिंग प्रोग्राम मेन मेमोरी के अंदर, किसने जो किया था इंट्रोड्यूस मेन मेमोरी के अंदर जो कि अपने प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं, जॉन वॉन न्यूमन ने किया। ये आपको इसका नाम आनी चाहिए साइंटिस्ट का, ये इंपॉर्टेंट है जॉन वॉन न्यूमन। अब है कि स्ट्रक्चर स्टेट के दरमियान हम चेकिंग करते हैं वाइल्ड के दरमियान, तो ये कंडीशन को चेक करते हैं वाइल्ड लूप के दरमियान। अब हमारे पास है कि ये हमारे पास मेमोरी को मेमोरी डाटा जो हमारे पास मेमोरी से ट्रांसफर होकर जनरल पर्पस की तरफ जब मूव होता है तो कौन करता है, ये हमारे पास कंट्रोल यूनिट का वर्क होता है। SSDS स्टैंड फॉर, ये इंपॉर्टेंट है सॉलिड स्टेट डिस्क स्टैंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। अब है कि व्हाट डज MIDI स्टैंड फॉर, तो ये हमारे पास होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इंपॉर्टेंट MCQs है। 0011 प्लस 0010, तो जब इसको करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0101, ये आपको आने चाहिए। ये 0 और 1 क्या होता है, 1 होता है, फिर 1 क्या होता है, 0 होता है, 0 लिखेंगे 1 कैरी चला जाएगा, फिर 0 है 1 कैरी का, 0 1 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। अब हमारे पास 40, ये इंपॉर्टेंट है, बेबेज ने इन्वेंट क्या किया था, टेक्नोलॉजी ऑफ गियर टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एबेकस का भी आपको आना चाहिए और इसका भी आपको आना, 5 कार्ड हो गया ENIAC, ये हमारे पास 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थ्योरी और इसको पता होना चाहिए, एक दफ़ा आपने रीड आउट कर लेनी है। अब एक मोस्ट कोड जो कि आज कल इस्तेमाल होते हैं हफमैन कोड जो होते हैं फ्रीक्वेंसी डिपार्टमेंट डिपेंडेंट के। अब JCL अब्रीवेशन किसका होता है, ये आपने देखना है कि जॉब कंट्रोल लैंग्वेज का, JCL जॉब कंट्रोल लैंग्वेज का होता है। अब है कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड नॉट वेरी फ्लेक्सीबल, अब हमारे पास 1914 से लेकर 1950 था हमारे पास जो कंप्यूटर था ये इतना फ्लेक्सीबल और एफिशिएंट नहीं था उस वक्त। जनरली के हाउ मैनी स्टेप मशीन जो साइकिल है उसके कितने स्टेप होते हैं, वो हमारे पास 3 होते हैं कंप्लीट करता है। अब गूगल ड्राइव किसका एग्जाम्पल है, ये क्लाउड कंप्यूटर की है, क्लाउड कंप्यूटर का एग्जाम्पल क्या है, गूगल ड्राइव, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब है कि PHP की क्या जो कि फॉर्म है, ये होती है पर्सनल होम पेज होती है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अ पेन इज नॉर्मली यूज फॉर शॉर्टेज लाइन कम्युनिकेशन, ये हमारे पास होता है लेस दैन अ फ्यू मीटर, ये हमारे पास जो पेन होता है ये हमारे पास बहुत सी काम जो स्पेस को गेन करता है। द ब्लैंक रिसाइड्स ऑन कंप्यूटर जो कंटेन करता है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को टू बी एक्सेस करने के लिए, वो वेब सर्वर होता है। अगर हम डेसिमल नंबर 431 देन 4 विल बी कंसीडर एज 100, 3 एज ब्लैंक एज 1 यूनिट, ये हमारे पास होता है 100। द रेपिटेशन, रेपिटेशन का जहाँ पे आएगा इसमें हम लूप का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लूप जो है हम एक से ज़्यादा दफ़ा जो है उसको चला सकते हैं। अब एक लूप स्ट्रक्चर जो रेफर करता है पोस्टेस लूप को, ये हमारे पास रिपीट मीनिंग उसकी रेपिटेशन कर सकते हैं लूप के जरिए। FTP जो है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, कुल चेक ऑल इनकम फाइल्स वो जो भी आ रही थी वो होती है प्रॉक्सी सर्वर होता है। और डायरेक्शंस और डायरेक्टरीज जो है कैन कंटेन द डायरेक्टरीज कॉल सब डायरेक्शंस कंस्ट्रक्टेड एज ये वर्बल हायरार्चिकल ऑर्गेनाइजेशन है। आफ्टर फेचिंग के बाद इंस्ट्रक्शन जो कि विल बी डिकोडेड होती है एग्जीक्यूट हो जाती हैं फेचिंग के बाद। प्रोसेस स्टेट्स इंक्लूड द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम राउटर एज अ कंटेंट था वो हमारे पास रजिस्टर है। वाइल हमारे पास होती है सेंडिंग मैसेज एज इट इज़ द ब्लैंक लेयर रिस्पांसिबिलिटी है हमारे पास होती है एप्लीकेशन की जो कि मैसेज को सेंड करता है इसकी रिस्पांसिबिलिटी होती है। अब विच आर द फॉलोइंग जो वेरिएशन ऑफ फायरवॉल की होती है हमारे पास स्पैम फिल्टर्स की जो भी हमारे पास ना आ सके। गूगल ड्राइव किस एग्जाम्पल है, ये हमारे पास है कि क्लाउड कंप्यूटर की है। वर्ड प्रोसेसर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये एप्लीकेशन है दैट बिल्ड एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट मीन के एडिटेबल मीन की जिसको हम एडिट कर सकते हैं उसके अंदर चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी एडिट वगैरह करना हमारे पास इजी होता है वर्ड प्रोसेसर के अंदर। आर ऑपरेटर जो कि रिप्रेजेंट करता है किस साइन को कहता है, ये जिस सामान होता है ये आर ऑपरेटर को जो कि यूज़ करता है इसका साइन ये आर का। हाउ मैनी इटरेशन आर रिक्वायर्ड टू फाइंड 88 को कितनी होंगी, ये फॉलोइंग अरे 1 होगी।
ये हमारे पास प्रीवियस में बता चुका हूँ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द स्यूडो कोड की, ये हमारे पास टू है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन टास्क ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एलोकेट करता है मशीन रिसोर्सेज ऑफ प्रोसेस इन द सिस्टम के अंदर, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ऑपरेटिंग सिस्टम का भी आपको पता होना चाहिए। कंट्रोलर कैन कनेक्ट थ्रू अ कनेक्टर दैट कार्वो हमारे पास पोर्ट होती है, पोर्ट मीन होता है। अच्छा, यू टी एफ 8 हो तो यू 24 का, तो ये हमारे पास होती है 32 बिट्स को। अगर हमारे पास द बिट 0 रिप्रेजेंट द वैल्यू फॉल्स एंड बिट्स 1 रिप्रेजेंट द वैल्यू ट्रू, अगर 0 हमारे पास रिप्रेजेंट करे ये फॉल्स है तो 1 फिर आपको फिर ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट करेगा ट्रू को, मीन 0 फॉल्स है तो 1 हमारे पास ट्रू होगा। मोस्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चर टू डे यूज एट लीस्ट, ये हमारे पास 32 बिट्स जो है कि स्टोर कर सकते हैं वैल्यू को। आज कंप्यूटर साइंस के अंदर जो कि हम स्टोर कर सकते हैं लिंक डाटा इन ऑर्गेनाइज वे यूजिंग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ब्रिज, ये हमारे पास जो ट्रू है कि ब्रिज जो है मोर कम्प्लेक्स है देन आर रिपीटर, रिपीटर से ये हमारे पास ब्रिज एक थोड़ा कम्प्लेक्स डिवाइस है। अब है कि PHP की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल होम पेज, PHP इंपॉर्टेंट है पर्सनल होम पेज। अब है टैग शो पार्टिकुलर पेज, अगर पार्टिकुलर शो पार्टिकुलर किसी पेज को हमने शो करवाने के लिए हम हैश टैग का इस्तेमाल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बाइनरी एडिशन है 1+1 इज 1+1, आपको पता होना चाहिए ये 10 के होता है 10 के 1+1। मेन मेमोरी को हम कह सकते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। ईमेल लेस टाइम सेंसिटिव सो द मेल सर्वर यूज ब्लैंक टू ट्रांसफर मेल, ये ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP को इस्तेमाल करेगा, TCP स्टैंड फॉर ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगर हमारे पास है बिट पैटर्न जो कि मस्ट मूव करता है बिटवीन CPU और मेन मेमोरी के दरमियान और बिटवीन CPU और ईच कंट्रोलर, बिटवीन ईच कंट्रोलर एंड मेन मेमोरी। व्हाट डज MIDI स्टैंड, MDI इंपॉर्टेंट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। सॉफ्टवेयर जो पैकेजेस है अलाउ करते हैं यूज़र को एक्सेस कर सकें हाइपर टेक्स्ट इंटरनेट के ऊपर, वो कराते हैं ब्राउज़र। वाइल का अगर इस्तेमाल करेंगे स्ट्रक्चर तो विद इट चेक, ये हमारे पास सीक्वेंस नहीं है, ये हमारे पास चेक करेगा कंडीशन को, ये आपने देख लेना है। अगर हमारे पास कोई कहता है कि कंक्लूड द स्पेसिफिकेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर और मेट आर नॉट मेट, ये हमारे पास वैलिडेशन है, मीन कि वो वैलिडेशन के अंदर हम चेक करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन के साथ मैच हो रही है नहीं हो रही, कोई भी चेंज वगैरह का नहीं, वैलिडेशन उसको कहते हैं हम। अच्छा, आ कंपनी जो कि डेवलप करती है फॉर विच इट चूजेस टू मेंटेन ओनरशिप राइट्स, तो ये प्रॉपर्टी सिस्टम को। अगर विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन आयन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्डिंग करता है वो बीइंग स्टोर नो, अब के लिए जो भी फॉर कुछ टाइम के लिए जो रजिस्टर होता है वो हमारे पास डाटा को स्टोर करता है। इंस्टेंस जो मैसेज है किस किस्म के जो पीपल हैं कैरी कर सकते हैं, रिटर्न कन्वर्जन ओवर द इंटरनेट, ये एग्जांपल होती है, ये पी टू पीर की होती है, पी टू पी भी कर सकते हैं या पी टू पीर भी लिख सकते हैं इस तरह। अच्छा, अवर विच टाइप ऑफ जो बस CPU हैं कैन फैच करते हैं इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से, वो हमारे पास होती हैं सेंट्रल बस होती हैं जो कि इसको कर सकती हैं फैच कर सकती हैं CPU से। इस तरह प्रोग्राम जो कि बिलीव करते हैं कि करेक्ट है और प्रोग्राम जो हमारे पास ये हमारे पास नॉट नेसेसरी जो बहुत सेम होनी चाहिए। अब है कि इसका जो आंसर हमारे पास है फॉर अ नेटवर्क फंक्शन रिलायबल इट इज़ इम्प्लीमेंट टू एस्टैब्लिश बाय विच एक्टिविटीज़ आर कंक्लूडेड सच रूल आर कार्बो, हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स मीन कि ये कुछ सच जो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं वो हमारे पास प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। पोलिन एनालिसिस का मैंने बताया ये एक्यूरेट होने चाहिए। यू कैन यूज़ ब्लैंक सर्च इंजन, किसी भी चीज़ को सर्च करने का हम गूगल का इस्तेमाल करते हैं। अब है कि वन ऑफ द अर्लियर कंप्यूटिंग डिवाइसेज वाज द एबेकस, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। स्टेप वाइज रीइंफाइनमेंट इज अ ब्लैंक मेथडोलॉजी इन प्रोसेसर फ्रॉम जनरल डाउन स्पेसिफिक, ये टॉप डाउन टॉप से डाउन की तरह। इफ टारगेट वैल्यू इज इक्वल टू टेस्ट एंट्री इन द अबव कंडीशन व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये हमारे पास है कि डबल इक्वल आ जाए इट्स मीन ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर हमारे पास है कि एक बिट कितनी वैल्यू को कंटेन करता है, ये एक को करता है। FIFO अब्रीविएशन स्टैंड मार्क, FIFO का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो LIFO का मतलब होता है कि LIFO का लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अब है कि कीवर्ड जो इस्तेमाल होता है पाइथन लैंग्वेज को डिफाइन करने के वर्ड, तो ये वर्ड को डिफाइन करने के लिए पाइथन लैंग्वेज के अंदर DEF का कीवर्ड इस्तेमाल होता है। CPU कंसिस्ट करता है 3 पार्ट को, एक हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU स्टैंड फॉर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर को। अब है कि क्यूरी जो कि सेट करती है वर्ड को गिविंग द सर्च इंजन के ये सर्चिंग। प्रोसेसर इज अ ब्लैंक एक्टिविटी, प्रोसेसर हमारे पास है कि डायनेमिक एक्टिविटी है।
अब है कि चूज़ द लोवेस्ट हेडिंग लेवल HTML टैग फ्राम द गिवन ऑप्शन, तो ये हमारे पास H6 करता है। फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो इम्प्लीमेंट हुआ था वेब वाज रिलीज़ किया था सितंबर 99 के अंदर, जो हमारे पास फर्स्ट जो कि सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन जो रिलीज़ किया गया था। अब है कि एब्स्ट्रैक्ट एंड डिस्टिंक्ट फ्राम इट्स रिप्रेजेंटेशन एल्गोरिथम जो करता है। अब है कि विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर यूज एज्यूम ऑल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्यूटर पर पर्सनल कंप्यूटर PC स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर। अब है कि कंप्यूटर साइंस अप्रोच करता है सम प्रॉब्लम को जो इस्टेब्लिश किए जाते हैं वेल डिफाइंड एंड सेट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स फ्राम विच एल्गोरिथम जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और कैन बी कंस्ट्रक्टेड होते हैं और फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं प्रिमिटिव इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। अब है कि जो डिवाइस होती है जो कि इस्तेमाल की जाती है डाटा को स्टोर करने, वो हमारे पास होती है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज का मतलब होता है स्टोरेज डिवाइस। अगर हम जो कि कोई भी लोकेशन वगैरह को फाइंड करना चाहते हो मैप लोकेशन का इस्तेमाल करेंगे। अनदर ये हिडन टर्मिनोलॉजी प्रॉब्लम है, ये भी पता है आपको। व्हाट इज़ दी फुल फॉर्म ASP? ASP स्टैंड फॉर एक्टिव सर्वर पेज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इज आल्सो कंसिडर एज करेक्टर, तो नंबर जो है कि हम इसको करेक्टर कंसिडर कर सकते हैं। व्हेन अप्लाइड ऑल लिस्ट विद एन एंट्री सर्च इंजन एल्गोरिथम विल इंटरोगेटिव एवरेज ऑफ, तो ये log2n है हम जो कि इसकी एंटिटीज है। अब ये हमारे पास log2base n है। अब नेक्स्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि सर्च करें विद इन द रेंज ऑफ नंबर यू कैन यूज, तो two.com इस्तेमाल करके हम रेंज नंबर ऑफ जो लिमिट जो रेंज होती है नंबर को हम जो सर्च कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ रेंज वगैरह 1 kilobytes जो कंटेन करता है 1024 bytes को, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब एक वैल्यू ऑफ फ्लैग विच वी रिट्रीव फ्राम मेन मेमरी मैनिपुलेट विद इन द फाइनली स्टोर बैक इन मेमरी GICPU। अब है कि ये हमारे पास ये डी ऑप्शन है कि लेट अनसर्टेड लिस्ट फ्रेड एलेक्स डेना बेरोन करो विच वन विल बी स्टोर एट लास्ट, ये हमारे पास करोल है ऑप्शन। RIC एब्रीवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और MCQs के लिहाज, ये हमारे पास होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ENIAC इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है ये MCQs पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारे पास है कि ENIAC को हो चुका है विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन यू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड करता है बींग एग्जीक्यूटेड नाउ, जब हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट हो रही होती है जो रजिस्टर होता है उन इंस्ट्रक्शन को क्या करता है होल्ड कर लेता है सम टाइम के लिए टेम्परली। अब एक विच टाइप ऑफ रजिस्टर जो यूज़ करते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को, वो स्पेशल पर्पज रजिस्टर होते हैं जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को। विच टाइप ऑफ रजिस्टर यूज इन प्रोग्राम, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए कौन से जो रजिस्टर इस्तेमाल कीजिए, हमारे पास जनरल स्पेशल रजिस्टर पर्पज रजिस्टर होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब है कि 0011+0010, तो ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। ये हमारे पास जो प्रीवियस था मैंने स्किप कर दिया था, तो ये हमारे पास है कि 01 किसके इक्वल, ये इंपॉर्टेंट है। 01 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, एक मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। 0011 क्योंकि प्रीवियस मेरे पास स्किप हो गया था। 0100 आप ये देखें 01 किसके इक्वल है, 1 क्या है, 11 किसके है, 0 और 0 10 के 0 लगाएंगे 1 कैरी चला जाएगा, 00001 और ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, मीन कि ये हमारे पास जो आंसर होगा इसका करेक्ट होगा, ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक शीडो कोड जो लैंग्वेज जो है इज़ अ लैंग्वेज, ये क्या डिपेंडेंट लैंग्वेज है देर आर, ये आपको प्रीवियस बताया था, ये इसका जो हमारे पास क्या होगा, जे लेस इज इक्वल टू 7 है, तो ये क्या होगा 7, ये हमारे पास जो होगा इसका आंसर आ जाएगा शेड्यूल कोड के मुताबिक। RIC का अब्रीवेशन आपको पता क्या होता है कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है। जनरल हाउ मैनी जो स्टेप होते हैं मशीन साइकिल हैव करता है, ये हमारे पास 3 होते हैं, ये इंपॉर्टेंट। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट नेम इटरेटर स्ट्रक्चर इन विच इनिशियल स्टेट इज एस्टैब्लिश होती है इनिशियलाइज के जरिए। अब है कि ग्रेड कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, रेफर करता है कि डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम दैट आर मोर लूजली कपल्ड देन क्लस्टर बट दे स्टिल वर्क टुगेदर एंड अकम्पलिश लार्ज टास्क, ये हमारे पास ग्रेड कंप्यूटिंग है। अब है कि प्रोसेस इज अ ब्लैंक एक्टिविटी, डायनेमिक एक्टिविटी है। ब्लैंक इज शॉर्ट वर्जन ऑफ बाइनरी डिजिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि डाटा स्टोर करता है बिट, जो कि ये शॉर्ट वर्जन है बिट जो है बाइट, जो कि ये हमारा बिगेस्ट है लेकिन जो बिट है ये शॉर्टेस्ट है। अब है कि 21 bits जो यूनिक 21 bits को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं कि यूनिकोड का इस्तेमाल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है।
In access notation, blank or bits are used to represent each value. Fixed number जो के access notation को small होते हैं, fixed number होते हैं. Loop structure, यहाँ पे loop structure का आगे mean की repetition हो रही है, repeat हो रहा है. 001 plus 0010 तो ये हमारे पास है 0101 के, ये मैं अपने previous में बता चुका हूँ. जो first पे लगाया हुआ था वो हमारे पास I think जो answer है वो रॉन्ग था, ये करेक्ट है. FTTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास प्रॉक्सी सर्वर को चेक करने के लिए, इनकम जो फाइल आ रही होती है उसको देखने के लिए होता है प्रॉक्सी सर्वर. वाज द फर्स्ट इंप्लीमेंट द वेब, ये हमारे पास होता है टाइम बैनर्स ली जो है. अब है कि विच ऑफ दी डिस्क्राइब स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, तो ये हमारे पास होता है इट इज़ अ टॉप डाउन अप्रोच, ये टॉप से जो कि डाउन अप्रोच को करता है. अब है कि वैन एन एप्लीकेशन वांट्स टू डिस्प्ले समथिंग ऑन स्क्रीन, जो नोटिफिकेशन विंडो मैनेजर जो होता है हमारे पास, इस्टेब्लिश अ वेल डिफाइंड सेट टू बिल्ड ब्लॉक फ्रॉम ईच एल्गोरिथम दिस वन, तो ये मैंने बताया था प्रिमिटिव इसका आंसर है. अगर कि इट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बाइनरी डेसिमल, तो ये हमारे पास क्या होता है डेसिमल जो कि यूज़ करते हैं ह्यूमन, यू अंडरस्टैंड, इज यूज टू डिटेक्ट एंड रिमूव द प्रीसेंस वायरस अदर इन्फेक्शन से कर सकते हैं. एंटीवायरस का काम होता है कि हमारे पास जो भी वायरस आए हुए उसको क्या कर सके, रिमूव कर सके, आउट कर सके हमारे कंप्यूटर लैपटॉप से. इस तरह के इफ़ वी आर इंटरेस्टेड टू सर्च एनी वेयर इन द बॉडी ऑफ डॉक्यूमेंट, वी कैन इंटेक्स को स्मॉल ऑपरेटर को स्मॉल करके अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं किसी भी जगह, तो हम इंटेक्स ऑपरेटर का यूज़ करेंगे. इस तरह फिर ये आ गया जिसका आंसर ये 0101 इंपॉर्टेंट है. एक्साइज नोटेशन किस करती है बिट्स को, फिक्स नंबर ऑफ बिट्स को इस्तेमाल करती हैं. 27 का कम्बिनेशन क्या होता है, ये हमारे पास 128 होता है, लेकिन फिर भी आपने ये कंफर्म कर लेना है. लूप स्ट्रक्चर, फिर लूप स्ट्रक्चर है इसमें, ये रिपीटेशन का रिपीट और अपोस्ट है लूप के अंदर. बैनिंग का एडिशन करेंगे 1 + 0 तो ये हमारे पास 1 आता है, ये आपको पता है. अगर 0 + 0 करेंगे 0 आएगा, 0 + 1 करेंगे 1 आएगा, 1 - 1 करेंगे तो 1 0 आएगा, ये आपको पता है. बैनिंग गूगल जो कि ये हमारे पास ड्राइव एग्जाम्पल किसकी है, क्लाउड कंप्यूटर की है. वाज द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन वेब जो कि ये हमारे पास फर्स्ट वेब जो कि फर्स्ट इम्प्लीमेंट हुआ था किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने जो कि इसको इम्प्लीमेंट किया था. गूगल जो कि बोली इन्वेंट किया था, ये क्या था बोलियन ऑपरेशन को, बोलियन ऑपरेशन को किसने किया था, जॉर्ज बोली ने इम्प्लीमेंट किया था. बोली मीन बोलियन ने इम्प्लीमेंट किया, आप इसे याद रख लें. अब है कि इज़ द मोस्ट डिमांडेड जॉब यूनाइटेड स्टेट के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो है कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो कि जॉब जो है डिमांडेड जॉब है काफ़ी सारी. विच लूप स्ट्रक्चर रेफर एज अ प्रीटेस्ट लूप, ये हमारे पास है वाई लूप. वाई लूप के अंदर जो है कि हम इसकी कंडीशन वगैरह देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं. अब है कि विच इज़ करेक्ट फॉर्मेट टू फाइंड आउट अ वैल्यू फ्राम एनी गिवन लिस्ट, सर्च का हम इस्तेमाल करके किसी भी जगह हम कोई भी चीज़ फाइंड करना चाहते हैं सर्च के जरिए हम कर सकते हैं इजली. अब है कि मोस्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स टुडे यूज एट लीस्ट ब्लैंक फॉर स्टोरिंग वैल्यू इन फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन इंस्टेड द 8 बिट हैव यूज्ड हियर, तो 32 बिट्स जो है कि मोस्टली जो आज के कंप्यूटर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे पास 32 बिट्स हैं.